डिफाइन स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, डिफाइन स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑन एस वन। ओके, तो अब बात करते हैं इसके किस तरीके से होता है, स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है मेरा, ठीक है, सर्कल एस वन क्या होता है, इससे ऑलरेडी इस पर डिस्कस कर चुका हूं मैं सर्कल एस वन पे, ठीक है। बट यहाँ पे जो बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बात करूंगा एस वन की, ठीक है। एस और मैनिफोल्ड में जो है, इससे पहले और एक एग्जांपल दिया था सर्कल एस वन पे, ठीक है, तो वो एग्जांपल्स अलग है, यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो एग्जांपल सिंपल सा है, ठीक है। अब बात करेंगे स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑन सर्कल एस वन, देयरफॉर सर्कल एस वन पहले हम नेचर पता होनी चाहिए सर्किल एस वन की, ठीक है। तो व्हाट इज द सर्किल, सर्किल मीन्स सर्किल एस वन इज द सेट ऑफ एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ठीक है, ये सर्किल हो गया मेरा एस वन, ठीक है। अब पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सर्किल मेरा क्या होना चाहिए, हॉस्ड ऑफ होना चाहिए, ठीक है। मैनिफोल्ड के लिए फर्स्ट कंडीशन इज दैट जो कोई भी सेट मेरा है, ठीक है, उसे जब मैं मैनिफोल्ड जब भी बोल सकता हूँ जब क्या वो हॉस्ड ऑफ होना चाहिए, ठीक है। इससे पहले मैं बता चुका हूँ हॉस्ड ऑफ होता है सर्किल एस वन, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है सर्किल एस वन पे, ठीक है। तो सर्किल एस वन के लिए बात करें तो सर्किल एस वन की बात करें पहले कि इसके हमें नेचर के बारे में थोड़ा सा, यस, कि सर्किल जो एस वन मेरा होता है, एस वन इज क्लोज्ड, कैसा होता है मेरा, क्लोज्ड होता है, बिकॉज क्लोज्ड क्या होता है, कोई भी सेट क्लोज्ड कहलाएगा अगर उसके सारे के एलिमेंट पॉइंट ऑल द एलिमेंट पॉइंट्स गोज टू इन द सेट, ठीक है, उसी सेट में चले जाएं, ठीक है, तो वो सेट मेरा क्या कहलाएगा, क्लोज्ड कहलाएगा, ठीक है। अब इसके जो सर्किल जो होता है मेरा, उसके साथ जितने भी पॉइंट हैं ऑल पॉइंट्स ऑफ द सर्किल आर द लिमिट पॉइंट्स, देयरफॉर सर्किल इज क्लोज्ड, ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्किल आर द लिमिट पॉइंट, देयरफॉर सर्किल इज क्लोज्ड। सर्किल मेरा क्या क्लोज्ड हो गया, जब सर्किल क्लोज्ड हो गया इट मींस, अब देखो सर्किल इज क्लोज्ड, एस वन इज क्लोज्ड बिकॉज ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्किल एस वन ऑन एस वन आर लिमिट पॉइंट्स, ओके, क्या होते हैं मेरे लिमिट पॉइंट होते हैं, देयरफॉर सर्किल इज एस वन क्लोज्ड हो गया मेरा, ठीक है। अब सर्किल एस वन हो गया, अब मैनिफोल्ड के लिए इंपोर्टेंट थिंग, इंपोर्टेंट बात क्या होती है कि हमें चाहिए क्या, मैनिफोल्ड एक ओपन सेट चाहिए, उसका ओपन सेट चाहिए, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, अब इसके कोई ओपन सेट मिल जाए जो इसको कवर कर जाए, ठीक है, एस वन को क्या करें कवर, ठीक है। एस वन को कवर करने वाले ओपन सेट क्या होंगे, देखो पहले एस वन क्लोज है, इसमें जो ओपन सेट होंगे कुछ टाइप के होंगे, एस वन माइनस जीरो कॉमा वन, ठीक है। अब देखो ये है कैसे ओपन, पहले इसको सर्किल को देखते हैं, सपोज दिस इज अ सर्किल, ओके दिस इज अ सर्किल, ठीक है, दिस इज माय सर्किल ऑफ रेडियस वन, वैसे थोड़ा सा This is the circle and we draw any line. This is the north pole of coordinate 0, 1. And this is the south pole of the circle of coordinate 0, minus 1. Okay? अब देखो मैं कह रहा हूं कि जितने भी पॉइंट है जो सर्किल पे वो क्या है मेरे लिमिट पॉइंट है। अब एक भी उसमें से एक भी पॉइंट को माइनस कर दूं, ठीक है, दो सर्किल मेरा क्लोज हो गया क्योंकि सारे इसके जो लिमिट पॉइंट ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्किल आर द लिमिट पॉइंट्स, देयरफॉर सर्किल एस वन इज क्लोज्ड। सपोज बी सबट्रैक्ट एनी वन पॉइंट, सपोज बी रिमूव ओनली वन पॉइंट फ्रॉम द सेट सर्किल, ठीक है, देयरफॉर सर्किल कैसा हो जाएगा मेरा ओपन, देयरफॉर यू वन क्या मिल जाएगा, ओपन सेट मिल जाएगा मुझे, देयरफॉर यू वन इज माय इज एन ओपन सेट इन एस वन, ओके। अब मेरा कैसा हो गया, यू कैसा ओपन हो गया। अब सिमिलरली बी सब रिमूव एनी एन नॉर्थ पोल सेकंड पॉइंट, अब ये वाला पॉइंट भी तो माइनस कर सकता हूं, देयरफॉर ये वाला पॉइंट मैंने माइनस किया तो एक और ओपन सेट मिल जाएगा एस वन माइनस जीरो कॉमा माइनस वन, ओके, तो वो था ओपन,
कैसे हो गए मेरे ये दोनों ओपन सेट हो गए किसके लिए एस वन के लिए और ये क्या करेंगे होल को कवर कर लेंगे क्या करेंगे दोनों को कवर करेंगे नहीं करेंगे यही तो पॉइंट रिमूव किए ओनली ऑल द पॉइंट्स आर ये वाले पॉइंट तो है सर्किल में ठीक है सर्किल पे ही है तो देखो ये वाले क्या हो गए ये तो अब ये वाले पॉइंट बचे ये वाले ठीक है ये वाले और मैंने क्या बताया था कि ओपन आर्क ऑन द सर्किल है ऑन द सर्किल आर द ओपन सेट होते हैं इससे पहले बताया था फर्स्ट वीडियो में और इसी के एग्जाम्पल की जब मैंने बात करी थी ठीक है तो वी के वी एंड यू आर द ओपन सेट एंड कवर फॉर कवर आर कवर्स ऑफ द एस वन देयरफॉर एस वन इज कवर बाई यहां पे एस वन इज कवर बाई यूनियन ओके एस वन के लिए कवर मिल गए ठीक है अब मुझे क्या दिखाना है इसको मैनिफोल्ड दिखाना है मैनिफोल्ड के लिए क्या चाहिए यू के लिए एक होमोमॉर्फिक मिल जाए एक वी के लिए मिल जाए ठीक है अब सपोज अब देखो होमोमॉर्फिक पहले बात करते हैं प्रोजेक्शन के थ्रू इसको डायग्राम से समझना है मुझे अब सपोज वी ड्रॉ ए लाइन ठीक है अब मैंने कोई लाइन ड्रॉ की ये इसके ये वाला पॉइंट है मुझे मिला इसके कोऑर्डिनेट सपोज अल्फा कॉमा जीरो माने मैंने कितना सपोज अल्फा कॉमा जीरो आर द पॉइंट ऑफ द बी अल्फा कॉमा जीरो ओके नाउ एंड दिस इज द पॉइंट एंड वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पी दिस इज द पॉइंट एंड एंड दिस एंड द पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई ठीक है एंड दिस इज द पॉइंट ए दिस इज द सर्किल ओ ठीक है सॉरी सेंटर ओ ठीक है एन इज द नॉर्थ पोल ओ इज द ओरिजिन ए इज द ए पी इज द परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस ठीक है एंड एन पी इज द स्ट्रेट लाइन है ना विच इंटरसेक्ट एक्स ओ एक्स ओ एक्स एट पॉइंट बी एट पॉइंट बी ठीक है एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वी इज अल्फा कॉमा जीरो लेट पी बी द पॉइंट वेयर द स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट द सर्किल एंड ऑफ एंड एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर एक्स कॉमा वाई ओके नाउ अब ये हो गया मैं कोऑर्डिनेट अब सपोज करो मैं अब मुझे करना है क्या मैंने इस वाले पॉइंट को रिमूव किया ठीक है तभी तो मुझे ओपन सेट मिला अब मुझे अब जो प्रोजेक्शन होता है प्रोजेक्ट करना है मुझे अब जो ये वाले प्रोजेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे जो इस तरीके से प्रोजेक्ट कर सकता हूँ ठीक है तो कहाँ पे करने एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्ट करूंगा मैं अब ये वाले अब सपोज ये इधर से प्रोजेक्ट कर सकता हूँ तो सारे पॉइंट कहाँ पे प्रोजेक्ट होंगे एक्स एक्सिस पे सिमिलरली अब मैं इधर से भी कर सकता हूँ ये क्या मिलेगा मुझे परपेंडिकुलर ओके एंड दिस इज द एनी पॉइंट इसके माइनस अल्फा कॉमा जीरो एंड दिस इज द पी एक्स कॉमा वाई ओके दिस इज द साउथ पोल ठीक है और हम क्या यहां से सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे यहां पे प्रोजेक्ट हो जाएंगे एक्स एक्सिस पे ठीक है एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएंगे प्रोजेक्ट हो जाएंगे ठीक है अब देखो यहां एक्स एक्सिस पे तो प्रोजेक्ट होंगे ठीक है अब बात करते हैं हम लोग देखो ये हो गया मेरा डायग्राम अब मैंने क्या किया कि सबसे पहले वो सर्कुलर ऑफ रेडियस वन का ऑलरेडी बना मुझे ठीक है उसके लिए उस पर एक लाइन ड्रॉ की मैंने स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट एट द पॉइंट पी ऑफ द सर्किल एंड एंड इंटरसेक्ट द एक्सिस ओ एक्स ओ एक्स एट पॉइंट बी एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पी पी आर एक्स कॉमा वाई एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर अल्फा कॉमा जीरो ठीक है सिमिलरली वी कैन ड्रॉ फ्रॉम वी कैन ड्रॉ एन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम एस ओके ऑन एक्स कॉमा वाई ऑन ओ एक्स ओके सिमिलरली वी कैन ऑल द पॉइंट सिमिलरली देयर इंटर देयर द स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट द पॉइंट पी सर्किल ऑफ द सर्किल एस वन एंड दिस द पॉइंट बी डैश ओके नाउ अब चाहिए क्या मुझे अब समझ में आया ना मैंने प्रोजेक्ट कैसे करना है मतलब कहाँ करना है प्रोजेक्ट सारे पॉइंट कहाँ हो जाएंगे रियल लाइन पे एक्स एक्सिस पर रियल लाइन पे ठीक है इधर से भी और इधर से भी ठीक है ये वाले पॉइंट इधर हो जाएंगे ये वाले पॉइंट इधर प्रोजेक्ट कर सकता हूँ अब देखो अब मुझे क्या मिल जाएगा अब मुझे चाहिए क्या सपोज करो फाइव वन इज द होमोमॉर्फिक ऑन यू ठीक है अब फाइव एक्स कॉमा वाई एक्स कॉमा यू में एलिमेंट कैसे होंगे यू कहां से ओपन एस का सबसेट है ठीक है तो इसमें एलिमेंट एक्स कॉमा वाई होंगे टाइप के होंगे और ये कैसा होगा अल्फा अल्फा कोई ओपन है आर में ठीक है
अल्फा क्या है, ओ में ना आर में, ठीक है। सिमिलरली अब मैं वी के लिए बात करूं, सपोज साइज होमोमॉर्फिक ऑन फॉर वी, और ये भी कहां जाए, आर पे, रियल एक्सिस पे, ठीक है, रियल एक्सिस पे प्रोजेक्ट होंगे सारे के सारे पॉइंट, ठीक है। और इसके लिए जो मुझे मिलेगा वो इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा, साई भाई भाई भाई, ठीक है, साई एक्स कॉमा वाई इक्वल टू माइनस अल्फा, माइनस अल्फा माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको ये वाला माइनस अल्फा क्यों है, यहाँ देखो प्रोजेक्ट इस तरीके से हो जाएगा ना, माइनस अल्फा पे ये वाला जो ये वाला पॉइंट है दूसरा, ये वाला इसके लिए बी के लिए जो लिया मैंने, कहाँ पे प्रोजेक्ट हो रहा है, एक्स यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, एक्स एक्स एक्सिस पे तो प्रोजेक्ट होगा, रियल लाइन पे तो रियल लाइन ये वाली है तो कहाँ प्रोजेक्ट हो रहा है, माइनस अल्फा पे, यू का प्रोजेक्ट हो रहा है अल्फा पे, ठीक है। अब मुझे इस तरीके से ये वैल्यू मिल गई, अब चाहिए क्या मुझे, अब अल्फा क्या है, अल्फा की अल्फा भी तो मुझे कोई होगा कुछ ना कुछ, अल्फा अल्फा का भी तो रिलेशन होगा। अब मुझे देखो अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की तो वैल्यू अब चाहिए मुझे, अल्फा की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है। अब देखते हैं, देखो वी नो दैट, अब थोड़ा सा टेंथ क्लास के मैथ पे जाते हैं, ठीक है। टेंथ क्लास का मैथ कहता है कि अगर हम कोई पॉइंट है मेरे पास और कोई स्ट्रेट लाइन है उसके दो कोऑर्डिनेट है, ठीक है, तो उसके लिए उस कोऑर्डिनेट की उस वाली जो सॉरी उस स्ट्रेट लाइन की उस स्ट्रेट लाइन के लिए हमें क्या मिल जाएगी, एक कोई लाइन है हमारी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट हमें पता है, ठीक है, तो हम क्या उसकी क्या गेन कर सकते हैं, इक्वेशन गेन कर सकते हैं। सिमिलरली अब सपोज करो उस लाइन पे पॉइंट पी कॉमा एक्स कॉमा वाई है, ठीक है, ठीक है, और ये क्या है उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट है, ठीक है, फाइनल इनिशियल, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इनके बीच में रिलेशन गेन कर सकते हैं, कौन सी, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था टेंथ क्लास में, ठीक है, कि बाई माइनस बाई वन, ठीक है, यहाँ क्या होती है ग्रेडियंट होती है, या बाई टू माइनस बाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एंड एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। और ये क्या है मेरे पॉइंट है कोई भी उसी स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है, उसी स्ट्रेट लाइन के लिए, तो ये वाले पॉइंट मिल गए मुझे, ठीक है। अब ये वाले पॉइंट हो गए एक्स वन कॉमा वाई वन एक्स टू कॉमा वाई टू, सिमिलरली ये वाले पॉइंट एक्स कॉमा वाई वन और इसकी और ये एक्स वन कॉमा वाई वन एक्स टू कॉमा वाई टू, इसके लिए भी एक मिल जाएगी, इसके लिए भी मिल जाएगी, तो हम अल्फा की वैल्यू गेन कर सकते हैं, अल्फा की वैल्यू गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जो अल्फा की वैल्यू गेन होगी मुझे, ठीक है, जो अल्फा की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले से जो गेन होगी मुझे, तो अल्फा की जो वैल्यू गेन करूंगा इसके लिए, ठीक है, फॉर मैं लिख देता हूं यहां पे, फॉर एन बी, फॉर एन बी, तो यहां पे जो रिलेशन मिलेगा मुझे वो मिलेगा अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस वाई, ओके, एंड और फॉर एस बी डैश अल्फा इज इक्वल टू, इसके लिए जो रिलेशन मिलेगा एक्स अपॉन माइनस वन माइनस वाई, ठीक है, ये मिल जाएगा मुझे, ये मिल जाएगा, ठीक है, ये मुझे रिलेशन मिल गया, इनको चेक कर लें, नाउ वी चेक, ओके, देख लूं शायद यही है, ओके, एक्स अपॉन वन माइनस वाई और सॉरी एक्स अपॉन वन माइनस वाई, इसके लिए जो मिल जाती है वन माइनस वाई, इसके इस वाले रिलेशन से, इस वाले रिलेशन से इसमें पुट करके हम, ठीक है, और ये मिल जाएगी मुझे, ये हो जाएगी वन प्लस वाई, ठीक है, ये मिल जाएगी मुझे, ये मिल गया, फॉर एन वी के लिए ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी, और फॉर एस बी डैश के लिए ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। तो मुझे क्या मिल गया यहाँ से, फाई ए मिल गया और फाई, अब फाई की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब तो अल्फा की वैल्यू इसमें पुट करूंगा मैं, ठीक है, मैं अल्फा की वैल्यू पुट कर रहा हूं यहां पे, तो मुझे अल्फा की वैल्यू पुट करूंगा मैं यहां पे, तो क्या हो जाएगा मेरा ये फाई ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स अपॉन वन माइनस वाई एंड दिस इज द एक्स अपॉन वन प्लस वाई, ओके, सो दिस इज द होमोमॉर्फिक, होमोमॉर्फिज्म हो जाएगी वाली, होमोमॉर्फिज्म क्या होती है और मेरी आपको मैंने बता दिया है, ठीक है, वन वन ऑन टू कंटिन्यूस एंड इनवर्स, इनवर्स भी कंटिन्यूस, ओके,
क्या हो जाती है मेरी होमोमॉर्फिज्म हो जाती है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया ये, और ये क्या हो जाएगी मेरी 1-1-1-2, ये भी 1-1-1-2 कंटिन्यूअस एंड दिस इज कंटिन्यूअस, ओके, देयरफॉर इनवर्स आल्सो कंटिन्यूअस, देयरफॉर देयर आर होमोमॉर्फिज्म, ओके, देयर आर द होमोमॉर्फिज्म। अब हमें क्या मिल गया, जब होमोमॉर्फिज्म मिल गई और क्या मिल जाए मुझे यू कॉमा बी मिल गया, तो हमें चार्ट मिल गया, चार्ट मिल गया, क्या चार्ट मिला, एक चार्ट मिल गया यू कॉमा फाई एंड वी कॉमा साई, ओके। तो देयरफॉर या फाई को इधर लिख सकता हूं, फाई को इधर, यू को इधर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कलेक्शन होता है फाई कॉमा यू एंड साई कॉमा वी, ओके। अब ये क्या चार्ट हो गए, देयर आर टू चार्ट्स एंड द कलेक्शन ऑफ ऑल चार्ट्स आर इज द एटलस, एंड एटलस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल चार्ट साई कॉमा यू, सॉरी फाई, फाई है ना ये, फाई कॉमा यू एंड साई कॉमा यू। देयरफॉर एस वन इज ए वन डायमेंशनल मैनिफोल्ड, दिस इंप्लाइज दैट एस वन इज वन डायमेंशनल मैनिफोल्ड, टोपोलॉजिकल मैनिफोल्ड हो गया, ओके। दिस इज स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑन सर्कल एस वन, ओके, दिस इज द प्रोसेस एंड दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द फॉर दिस, एंड क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट, ओके, एंड आई वॉन्ट टू से समथिंग दैट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर, थैंक यू। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस आई विल डिस्कस स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑन सर्किल एस टू, ओके, एस टू पे बात करेंगे, सर्किल एस टू मतलब फिर तो एक स्पेयर हो जाएगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑन एस टू, थैंक यू, थैंक यू।